हेलो स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जैसे NCISM के द्वारा किन किन कॉलेजों को 14 अगस्त को मान्यता मिल गई है, BAMS एडमिशन के लिए उत्तर प्रदेश में परमिशन मिल गई है, लेटर इशू हो गया है, तो उन कॉलेजों का सभी का नाम बताऊँगा, सभी की फ़ीस बताऊँगा और सभी का हॉस्टल का चार्ज बताऊँगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, वीडियो को आखिरी तक देखिए। यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि आयुर्वेदिक आप फील्ड से जुड़ना चाहते हो, आयुष विभाग से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आयुष की हर नॉलेज मेरे चैनल पर रहती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज है ये बांदावाला, उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बांदावाला है। तो गवर्नमेंट को तो परमिशन मिली है, बाकी सभी कॉलेज गवर्नमेंट को भी इस बार अभी तक परमिशन नहीं मिली है, और अभी परमिशन और कॉलेजों की आएगी, जो बाकी कॉलेज रह गए हैं उनकी परमिशन और आएगी। काउंसलिंग से पहले शायद है एक लिस्ट और आएगी, वो उनमें और कॉलेज भी ऐड हो जाएंगे, काफ़ी कॉलेज ऐड हो जाएंगे। तो इसमें है फीस है 19 के जनरल EWS OBC के लिए है, और 14 के SC ST के लिए है ना। अब बात करते हैं मेजर SD सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। अब ये मेजर SD सिंह पूरी यूनिवर्सिटी बन चुकी है, मैंने देखा था ये मेजर SD सिंह ने खुद का यूनिवर्सिटी पूरा बना लिया है। तो इसका फीस है 2,69,700 रुपये पर ईयर। इसके अलावा कुछ कॉलेज के मैनेजमेंट के खर्चे होते हैं, ये कॉलेज वाले ही बताएंगे, जो ऑनलाइन वेबसाइट पर जब आप काउंसलिंग करोगे तब इतनी फीस सो होगी आपको। BHU गवर्नमेंट फीस रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज वाराणसी, इसका भी गवर्नमेंट फीस रहेगा। अब बात करते हैं भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर, इसका फीस है 2,25,500 रुपये, सॉरी 2,25,000 रुपये। अब है अगला कॉलेज प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ, इसका फीस है 2,45,700 रुपये। अगला कॉलेज है शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये है आपका आजमगढ़ का कॉलेज है, 2,55,700 रुपये इसका फीस है। हॉस्टल चार्ज में सभी का एक एवरेज बताऊंगा, इतने से इतने के बीच में रहता है हॉस्टल चार्ज, ज़्यादा वेरिएशन नहीं करता है, फीस ज़्यादा वेरिएशन करती है। हॉस्टल चार्ज में कुछ ज़्यादा 10 से 15 हज़ार का डिफरेंस रहता है, बाकी सबका सेम है। तो एक मैं अभी बता देता हूँ, हॉस्टल चार्ज लगभग 70,000 से स्टार्ट होता है और 1,90,000-80,000 तक इसमें जाता है। तो कौन सा कॉलेज लेना है आपको, जैसे कोई प्रॉपर सिटी में कॉलेज चाहिए, GGIMS नहीं चाहिए है ना, तो वहाँ का रहेगा लगभग भाई 80-90 के समथिंग रहेगा, और आपको कोई थोड़ा सा इधर उधर कॉलेज चाहिए तो उसका थोड़ा सा कम हो जाता है ना, कोई इशू नहीं है। ये 1 से नीचे और 70 से ऊपर, इसके वेरिएशन में आपका हॉस्टल चार्ज रहेगा। तो शिवालिक हो गया। अब है श्री दद्दू सिंह बाबू सिंह, ये फरुखाबाद वाला मेडिकल कॉलेज है, इसका फीस है 2,52,900 रुपये। प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसका फीस है 2,38,900 रुपये। यदि आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और 2,38,900 रुपये फीस है, और कम चाहते हैं कि आपका कम फीस में हो, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, कॉन्टैक्ट कर लेना, फीस कम हो जाएगी। जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलीगढ़, इसका फीस है 2,54,200 रुपये। अगला कॉलेज है जीवक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंदौली उत्तर प्रदेश, इसका फीस है 2,60,600 रुपये। अगला है ग्लोकल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये ग्लोकल यूनिवर्सिटी है सहारनपुर में, उसी में कॉलेज है, उसी का कॉलेज है, इसका फीस कुछ क्लियर नहीं है तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, बाकी आप 2,04,600 रुपये से के मान लीजिए, इससे अपर ही मानिए, इतने से तो कम किसी की है ही नहीं। बाकी अगला कॉलेज है श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मेरठ, इसका फीस है 2,04,600 रुपये। ये फीस है ना, वो लास्ट ईयर की फीस है, न कि आने वाली ईयर की। आने वाली ईयर की फीस का अभी लिस्ट आई नहीं है, बाकी वेबसाइट पर आएगी, इस साल की इतनी फीस रखी गई है, तो उस हिसाब से जब काउंसलिंग करोगे आप, उस समय आपको वेबसाइट पर फीस देखने को मिलेगी कि इस वर्ष का इतना फीस है, वो फीस लगेगा। ये लास्ट ईयर का फीस है, तो लगभग सबका इतना ही रहने वाला है, या हो सकता है कुछ का बड़े, हो सकता है कुछ का घटे। अब बात करते हैं IAMS इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल साइंस लखनऊ, 2,51,200 रुपये। RK आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आजमगढ़, 2,30,800 रुपये।
दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गाजियाबाद नोएडा में पड़ता है, नोएडा के पास है, मोदी नगर में। 260,600 रुपये टोटल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले अभी तक 24 कॉलेज हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 24 कॉलेज हैं। बस 14 अगस्त की जो लिस्ट आई है उसमें 24 कॉलेजों को ही शामिल किया गया है। संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मथुरा 260,900 रुपये। बाकी इसके मैनेजमेंट के और खर्चे रहते हैं, क्योंकि मैंने ऑफलाइन इस कॉलेज को विजिट किया है, तो इसके और भी खर्चे रहते हैं मैनेजमेंट के पर ईयर के। 19वां कॉलेज है आपका GGIMS गोरखपुर, गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका है 265,800 रुपये। कृतिका आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बरेली 204,600 रुपये, रोहिलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बरेली 204,600 रुपये, CS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एटा 204,600 रुपये। इस कॉलेज में भी आप कुछ कंसेशन चाहते हैं तो आए संपर्क करें, हो जाएगा। द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 204,600 रुपये है। जावित्री देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इस कॉलेज में भी कुछ लखनऊ का है, कुछ कंसेशन चाहते हैं तो कोशिश करूँगा पूरी। बाकी 204,600 रुपये तो है ही। हॉस्टल का एवरेज चार्ज मैं बता ही चुका हूँ, 1 से लेकर 70 से प्लस 1 के अंडर में ही रहने वाला है। 80 में ही ज़्यादातर होता है, 80-85 इसी में यही रहता है बस, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हर उस स्टूडेंट तक पहुँचाएँ जो IAS विभाग से जुड़ना चाहता है, आयुर्वेद में एडमिशन लेना चाहता है, BAMS, BHMS, BUMS, BSMS आज सभी कोर्सों में लेना चाहता है। यदि आप BAMS कंप्लीट कर चुके हो तब भी आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यदि आप सोच रहे हो एडमिशन लेने की तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा के लिए। थैंक यू।